गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ लेसन नंबर 6 बाय रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। ओके एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। द नेक्स्ट वीक हैंस प्लेड विद अ लिटिल पपी at his grandmother's house। अगले हफ्ते या next week, okay? अगले हफ्ते next week, Hans played with a little puppy। Hans एक छोटे से puppy के साथ, यानी कि baby of dog के साथ अपने grandmother के house में खेल रहा था, दादी के घर में खेल रहा था। In the afternoon, he said, ग्रैनी कैन आई टेक दिस पपी होम। दोपहर में, आफ्टरनून में, ही सेड, उसने कहा, दादी कैन आई टेक दिस पपी होम, क्या मैं इस पपी को अपने घर ले जा सकता हूँ। येस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली सेड हिज ग्रैंड मदर। उनकी मदर, ग्रैंड मदर ने कहा कि हाँ ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान से। Hans stuffed the puppy into his pocket। Hans ने पपी को अपनी जेब में भर लिया। ओके When he took the puppy out at home, it didn't move। जब उसने पपी को घर में बाहर निकाला अपनी पॉकेट से, it didn't move, वो हिल नहीं रहा था। कौन नहीं हिल रहा था? पपी। Oh, what have you done, you foolish boy? cried his mother। उनकी मदर ने कहा, you foolish boy, तुम बेवकूफ लड़के। Oh, what have you done, तुमने ये क्या किया? You told me to put it in my pocket, said Hans। Hans ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि इसको पॉकेट में रख लेना, तो मैंने पॉकेट में इसको रख लिया। After a few minutes, the puppy opened its eyes। थोड़े मिनटों के बाद या मिनट्स के बाद पपी ने अपनी आइज ओपन करी। यू आर फुलिश हैंस, सेड हिज मदर, यू शुड हैव पुल्ड इट अलोंग टाइड टू अ स्ट्रिंग। तुम बेवकूफ़ हो हैंस, उनकी मदर ने कहा, यू शुड हैव पुल्ड इट, तुमको इसे एक रस्सी से बांध के लाना चाहिए था, इसको पॉकेट में अपने भर के नहीं लाना चाहिए था। नेक्स्ट वीक हैंस टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। अगले हफ्ते हैंस पपी को उनकी ग्रैंड मदर के हाउस ले गया। आफ्टर टी हिज ग्रैंड मदर सेड, चाय पीने के बाद उनकी दादी ने कहा, हेयर इज़ अ पीस ऑफ मीट, यहाँ पर एक मीट का टुकड़ा है, कैरी इट होम टू योर मदर, इसको ले जाओ अपने घर और अपनी मदर को दे देना। नेक्स्ट पेज like this। Hans said, Hans tied the meat with a string and dragged it along behind him। Hans ने meat के टुकड़े को रस्सी से बांधा, रस्सी के साथ बांधा, and dragged it, और उसको घसीटता हुआ अपने पीछे पीछे ले आया। You can see it picture, okay? The puppy followed Hans nibbling the meat। और जो पपी था, उनकी मदर ने कहा था कि पपी को तुम्हें रस्सी से बांध के लाना चाहिए, तो उसने सोचा कि अब की बार जो चीज़ मिलेगी उसको मैं रस्सी से बांध लूँगा, तो इन्होंने मीट के टुकड़े को रस्सी से बांध के आगे आगे चल दिए। और बॉय है ना, और ये जो पपी था वो, उसने क्या किया, मीट के टुकड़े को कुतरता हुआ, खाता हुआ, उसको नोचता हुआ, और उसके पीछे पीछे चलता रहा। ओके When Hans got home, he had no meat। जब Hans घर पहुँचा, उसके पास मीट नहीं था। You should have put it in a piece of paper and put the packet on your head, said his mother। उनकी मदर ने कहा, तुम्हें इसको, किसको, पीस को, इस पीस को, जो मीट का पीस था, उसको तुम्हें एक पेपर में रैप करना चाहिए था, लपेटना चाहिए था, और एक, और उसको, उस पैकेट को
एक पेपर के पैकेट में तुम्हें इसको लपेटना चाहिए था या रखना चाहिए था, और उस पैकेट को तुम्हें अपने हेड के ऊपर रख के लाना चाहिए था, और तुम इसको रस्सी से बांध के ले आए। एक तो ये खाने की चीज़ खिसका के लाए तो रोड पे गंदा भी हो गया, और देखो डॉगी ने उसको फिनिश भी कर दिया। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हैंस ग्रैंड मदर गेव हिम अ पाउंड ऑफ बटर। अगले हफ्ते हैंस की ग्रैंड मदर ने उसको एक बटर का पीस दिया। ठीक है, तो बटर जब हम वेट करते हैं तो पाउंड में, ओके, पाउंड मतलब कि उसको एक बटर का टुकड़ा दिया। हैंस रैप द बटर इन सम पेपर। हैंस ने बटर को एक पेपर में रैप किया एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड, और अपने हेड के ऊपर वो बटर का पैकेट रख के चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी मदर ने सिखाया था ना, जब वो मीट का पीस लेके आया था, कि इसको तुम्हें सर पे रख के लाना चाहिए था, एक पैकेट, एक रैप करके पैकेट में। तो उसने बटर को एक पैकेट में रैप किया और अपने हेड के ऊपर रख के जाने लगा। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, हिज मदर लुक्ड एट हिम, उसकी मदर ने उसे देखा एंड क्राइड आउट, और चिल्लाई, व्हाट इज ऑल दैट, ये सब क्या है, येलो स्टफ ऑन योर हेड एंड बैक, ये पीला पीला क्या है तुम्हारे सर के ऊपर और तुम्हारे पीछे। द बटर हैड मेल्टेड इन द सन। बटर क्या था, गर्मी में, सन की गर्मी में वो पिघल गया था। पिघल जाता है ना, जब भी बटर को हम कहाँ रखते हैं, फ्रीजर में या फ्रिज में रखते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंडा होता है, और बटर को जैसे ही थोड़ी सी गर्मी मिलती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यू आर अ फुलिश बॉय, सेड हिज मदर, उनकी मदर ने कहा तुम बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ लड़के हो। ओके, इट इज़ अवर स्टोरी नाउ। आई फील यू ऑल ऑफ यू एंजॉयड इट, अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ इट इज़ योर होमवर्क, इट इज़ योर वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम लेसन नंबर 6, केयरफुल हैंड्स। यू ऑल ऑफ यू राइट इट वेरी केयरफुली विथ करेक्ट स्पेलिंग। नंबर 1, ड्रैग्ड, इट मीन्स कैरीड समथिंग बाय पुलिंग इट अलॉन्ग द ग्राउंड स्लोली, नो स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, रिमेंबर इट। नंबर 2, डस्टी, कवर्ड विथ डस्ट। नंबर 3, जर्मनी, अ कंट्री इन यूरोप, EUROPE, लाइक दिस, यूरोप। नंबर 4, हे, HAY हे, ओके, इट मीन्स ग्रास और अदर प्लांट्स दैट आर कट। नंबर 5, स्लीव, यू ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीव, अ पार्ट ऑफ द गारमेंट, ओके, अ पार्ट ऑफ गारमेंट। नंबर 6, स्पेंड, टू पास टाइम। एंड नंबर 7, इट इज़ अवर लास्ट वर्ड फ्रॉम लेसन नंबर 6, वर्ड मीनिंग स्टफ्ड। Stuffed means packet. Oh, sorry, packed. Understand? Okay, thank you.